नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। गणतंत्र दिवस के 74वीं वर्षगांठ में रीवा के सेंट्रल जेल से 15 कैदी रिहा किए गए, जिनको बेहतर चाल चलन के आधार पर छोड़ा गया। जेलर एस के उपाध्याय ने साल श्रीफल से उनको सम्मानित करते हुए विदाई दी जेल से। रीवा में 15 कैदियों के लिए आजादी का पैगाम लेकर आया 74वां गणतंत्र दिवस। केंद्रीय जेल में बंद 15 कैदियों के लिए गणतंत्र दिवस का पावन पर आजादी का पैगाम लेकर आया। उनकी केंद्रीय जेल से रिहाई अच्छे चाल चलन की वजह से की गई। इसे लेकर जेल प्रशासन ने सभी औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर ली थी। केंद्रीय जेल रीवा में हत्या सहित विभिन्न मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 15 कैदियों की रिहाई की। उक्त कैदी अपने हाथों हुए अपराधों की सजा काट रहे थे। 14 वर्ष की अवधि पूरे होने के बाद उनके अच्छे चाल चलन के आधार पर जेल प्रशासन ने रिहाई का प्रस्ताव भेजा था, जिसे शासन ने स्वीकृत कर रिहाई के आदेश जारी कर दिए। 26 जनवरी को उनकी जेल से रिहाई की गई। इसके लिए जेल प्रशासन ने पहले ही परिवार को सूचना दे दी थी, जिसके चलते अधिकांश कैदियों के परिजन रीवा पहुँच गए थे। जो नहीं पहुंच पाए उनके जेल प्रशासन घर पहुंचने की व्यवस्था भी कर रहा है। जेल अधीक्षक एस के उपाध्याय का साफ तौर से कहना, कैदियों के रिहाई की सारी तैयारियां हमने पहले ही पूरी कर ली थी, जिसके चलते सभी कानूनी औपचारिकताएं निभाते हुए सभी को जेल से रिहा कर दिया गया है। रिहा होने वाले कैदियों में काफी शहडोल, सिंगरौली, गंगेव, अनूपपुर, लौर, सीधी, तमाम ऐसे लोग हैं जो आजीवन कारावास की सजा पाए हुए थे। हमने केंद्रीय जेल अधीक्षक एस के उपाध्याय साथ ही जेल से छूटने वाले कैदियों से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना था। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय जेल रीवा से 15 आजीवन कारावास के कैदी रिहा हो रहे हैं। ये सभी कैदी 302 के कैदी हैं। इन्होंने 14 साल सूखे, 6 साल माफ़ी, ऐसे कुल मिलाकर के 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज इस पावन पर्व पर शासन की जो नई पॉलिसी 22 सितंबर 2022 से बनी है, उसके तहत इन सभी लोगों को पात्र पाया गया है। शासन से इनका अनुमोदन होने के बाद आज इस कारागार से इनको रिहा किया जा रहा है। सभी पुरुष कैदी हैं और ये कैदी जो भी जेल में चल रहे रोजगार हैं, प्रशिक्षण हैं, सुधारमूलक प्रोग्राम हैं, उनके तहत इन लोगों ने जो भी प्रशिक्षण अर्जित किया है उसके तहत ये बाहर अपना जीविका का संचालन करेंगे, परिवार के साथ जीवन यापन करेंगे, समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे। इनको हमने ये संदेश दिया है कि आप सभी लोग यहाँ से रिहा होकर के समाज के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलें, दोबारा कोई ऐसा अपराध ना करें ये जेल में पुनः आना पड़े। और साथ ही साथ इन सब के पुनर्वास के लिए हमने सामाजिक न्याय विभाग से भी पत्राचार किया है। तो इनको जो भी वहाँ से शासन सुविधाएं या योजनाओं का लाभ दिलाना चाहेगी वो प्रदान करेगी। और मेडिकल लाइन में नौ वर्ष से करीब रहा, अच्छे से अनुशासन में जीने का एक शैली मिला अनुशासन में रहने के। और इसी तरह से माननीय आदरणीय कलेक्टर महोदय जी से एक निवेदन है कि बहुत तो निर्दोष बंदी हैं बेचारे, तो पैरोल का लाभ दिया जाए, जो ऐसे कोई बंदी जो नहीं जा पाते हैं, ताकि परिवार से अपने वो जुड़ सकें। और 3 साल का संगीत का भी प्रशिक्षण किया, संगीत भी सीखे 3 वर्ष 9 वर्ष। अब आगे मान लीजिए कोई खेती किसानी या कुछ रोजगार जो मिल जाएगा तो ठीक है। जेल में जो सीखा है उसे आगे जीविका का साधन बनाएंगे जी। अब यहाँ मेडिकल लाइन में थे लेकिन उसके लिए तो डिग्री चाहिए, मेडिकल के लिए तो डिग्री चाहिए, डिग्री अपने पास तो है नहीं। क्या नाम है आपका? गुड्डू उर्फ पिंटू, सनाब रंगला सा। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।